हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम स्कॉलर। आज हम इस लेक्चर वीडियो में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर वीडियो तक हमने देखा था कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, तो और हमने उसके डिफरेंसेस टेस्ट भी देखे थे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एटी टेस्ट, एनोवा एंड रिपीटेड मेजर्स ऑफ एनोवा। अच्छा, एनोवा के बारे में फुल फॉर्म बताना भूल गया था, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ठीक है, सो एनोवा मीन्स दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरियंस। अब हम बढ़ते हैं दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ। देखिए, सीधी सी बात है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ हमें तभी जाना है जब हमारी जो मेन मेन हमारी जो टू कंडीशन है, दैट इज होमोजेनियस एंड दी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएबल्स एंड दी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों कोई भी अगर फुलफिल नहीं कर रहा, सो हम बोलेंगे कि भी डेटा जो है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या फिर होमोजेनिटी नहीं है वेरिएबल्स में, तो हम जो है किसकी तरफ जाएंगे, दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो आपके जो भी हमने जब तक टेस्ट किए हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का इक्विवेलेंट कौन सा, दैट इज मैन वेटनी टेस्ट। इसी का भी वही पर्पस है, इसका भी मेन वही मेन पर्पस है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, बस एक और माइनर डिफरेंस आता है। जब हमने इंडिपेंडेंट टेस्ट किया था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है आपका रेशियो स्केल लिया था। यहाँ पर रेशियो स्केल नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है किसमें होगा, आपका इंटरवल डेटा होगा। दैट मीन्स आपका जैसे रैंक में होगा, सॉरी ऑर्डिनल, नॉट इंटरवल, ऑर्डिनल डेटा होगा, तो उसमें आपका डेटा जो है रैंक रैंक में डिवाइड हो जाएगा, वो अपने आप कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वो अपने आप उसको जो रैंक में कन्वर्ट करके और उसको इंटरप्रेट करके देगा कि क्या इनमें जो रैंक वाइज है, क्या उसमें जो मीन है उनमें डिफरेंसेस है या नहीं है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैन वेटनी टेस्ट, इट इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिपेंडेंट टेस्ट। बस आपको याद करना है, बस ये चार डिफरेंस करना, दैट दिस इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस इक्विवेलेंट टू दिस, दैट्स इट। आपको ये ही आपको ध्यान से दिखना है, बाकी जो इनका जो मेन पर्पस था वही इनका भी मेन पर्पस है। ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, हाँ टेस्ट चेंज हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कई बार डेटा में कुछ डिफरेंसेज आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाए। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं That means what is all about Mann Whitney test. तो देखिए, इसको हम एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स आर देयर, जिसमें जेंडर भी शामिल है, मेल एंड फीमेल, और उनका कुछ स्कोर भी है। जैसा हमने इंडिपेंडेंट टेस्ट टेस्ट में कहा था, ये वही मोर लेस सिमिलर डेटा है, चेंजेस आपके सिर्फ स्कोर में है और कुछ नहीं है। तो देखते हैं, चलिए पहले इसको हम देखते हैं कि क्या डेटा आपका पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए लायक है या नहीं है, पहले वो चेक करना हमें। सो सिंपली गो टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, डिपेंडेंट लिस्ट, सॉरी जेंडर आएगा आपका फैक्टर लिस्ट में, स्कोर आएगा आपका डिपेंडेंट लिस्ट में, स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं करना आपको, प्लॉट्स में वही सेम, नॉर्मलिटी एज वेल एज ए होमोजेनिटी चेक करेंगे हम, एंड देन ओके। तो देखिए, ये आपका डेटा है, तो अभी मैं देखिए बहुत थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बिकॉज ये हम सब ने ऑलरेडी अच्छे से देख लिया कैसे करना आपको। तो देखते हैं ये नॉर्मलिटी एंड होमोजेनिटी। अगर नॉर्मल देखिए तो मेल डेटा का होमोजेनिटी आपका देखिए इनसिग्निफिकेंट है, सो हम कह सकते हैं कि डेटा होमोजेनियस है, लेकिन फीमेल का डेटा देखिए 0.05 है, एग्जैक्टली आपका 0.05 है, 0.05 उससे भी कम है, बल्कि ये 0.05 उससे भी कम है। सो इसका मतलब ये डेटा क्या आपका सिग्निफिकेंट है, ऊपर वाला क्या इनसिग्निफिकेंट है, ये क्या सिग्निफिकेंट है। और अगर ये सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स क्या होता है आपका, ये नल हाइपोथेसिस को क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, हम कि डेटा आपका जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर हम होमोजेनियस देखें, सो देखिए सारी वैल्यूज क्या आपकी इनसिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स डेटा आपका होमोजेनिटी और वेरियंस तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि होमोजेनियस है, नॉर्मलिटी में सिर्फ मेल में है लेकिन फीमेल में नहीं है। तो जब भी आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाओगे, तो पहले आपको ये चीज़ इंटरप्रेट करनी होगी कि आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ क्यों गए, क्यों गए, क्योंकि फीमेल का डेटा आपका जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, इसलिए हमने जो यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ गए, राइट। चलिए, अब हम करते हैं मैन वेटनी टेस्ट कैसे लगाना है आपको। गो टू एनालाइज,
नॉन पैरामेट्रिक, लेगसी डायलॉग्स एंड देन क्लिक ऑन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स. कौन सा वेरिएबल हमें टेस्ट करना है? दिस ई एस जेंडर आपका ग्रुपिंग वेरिएबल्स में चलेगा. डिफाइन कीजिए 1 and 2. एग्जैक्ट में आपको कुछ नहीं करना. ऑप्शंस में डिस्क्रिप्टिव आप ले सकते हो एंड नथिंग एल्स. जस्ट क्लिक ऑन ओके. तो देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी शो कर रहा है. दैट मीन्स जेंडर आपके देखिए दो ही हैं. मैन वेटिंग टाइम देखिए मैंने बता, ये रैंक के हिसाब से बताएगा. देखिए मेल आपका का रैंक कितना, दैट इज 30.54. फीमेल का रैंक कितना, दैट इज 20.54. डिफरेंस है, लेकिन क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसके लिए देखना हमें. ये देखिए ये आपकी पी वैल्यू, टू टे टेस्ट दिखा रहे. देखिए पी वैल्यू क्या, ये पी वैल्यू 0.5 से कम है, ज़्यादा है. ये क्या दिखा रहा है, कम है. और कम होते दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है. सो दैट मीन्स देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग दी स्कोर ऑफ मेन स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल. ठीक है, इसको हम देखिए और अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं. जैसे देखिए आप गो टू एनालाइज. अगर आप कंफ्यूज होते हो कि टेस्ट हमारा जो है इसको हम कैसे करें, तो मींस क्या इसको रिजेक्ट करें एक्सेप्ट करें, तो आप देख सकते हो नॉन पैरामीटर टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल्स. इसको पहले आप रिसेट कीजिए. क्लिक ऑन कस्टमाइज फील्ड्स. फील्ड्स में आपको देखना टेस्ट फील्ड आपको क्या करना है, दैट इज ई एस जेंडर को आप ग्रुप्स में ले गए. देन सेटिंग, क्लिक ऑन कस्टमाइज टेस्ट, क्लिक ऑन माइंड विटनी और जिस एंड देन क्लिक ऑन रन. तो देखिए आपको ये जो टेस्ट है ना आपको वो बता देगा कि हाइपोथेसिस आपको रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है. सो नल हाइपोथेसिस आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है. और नल हाइपोथेसिस क्या था, दैट देर इज नो डिफरेंस इन द मेन स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो उसको रिजेक्ट कर रहा है. दैट मीन देर इज अ डिफरेंस, क्योंकि देखिए सिग्निफिकेंट वैल्यू अभी क्या है 0.05 से कम है. राइट, सो दिस इज द वे ऑफ एनालाइजिंग द मैन वाइटिंग टेस्ट विच इज अ नॉन पैरामीटर टेस्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. प्लीज कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.